गाइज, इससे पहले मैं आपके सामने एक और वीडियो ला चुका हूँ जो कि है टॉप 5 बेस्ट हेडफोन्स के बारे में। तो एक कैबिनेट की भी वीडियो लानी बनती थी, तो मैंने कैबिनेट की वीडियो ला दी है आज। और ये टॉप 5 की वीडियो है, ये सारे मैंने परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से रखे हैं। तो अगर कोई बोले कि ये भाई इसका लुक्स इतने बढ़िया नहीं है, तो कोई बात नहीं, वैसे सभी के लुक्स बढ़िया होंगे। पर ये जितने भी कैबिनेट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे कैबिनेट्स हैं दुनिया के अंदर, तो मैं सभी की वीडियो नहीं बना सकता, सिर्फ टॉप 5 की वीडियो है। तो टॉप 5 ही इसके अंदर आने वाले हैं। तीसरी बात जो मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से, तो गाइस अभी मैं जाके आपको बताने वाला हूँ जिनका बजट सबसे लो है। 40K के 30K वाले के लिए सबसे बजट के लिए कैबिनेट चाहिए, आप लो एंटी स्पोर्ट्स का 211TG, न्यूली कैबिनेट है। और इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर प्री इंस्टॉल फैन है, और APU बिल्ड अगर आप करते हो तो इसके अंदर फ़ायदा देगा। इसके अंदर एक छोटा सा मैश सेक्शन आपको मिल जाता है, बट कुछ मैश तो मिल रहा है इसके अंदर आईज 210TG के अंदर, उससे सस्ती तो नहीं है, पर यह मस्त है। 3000 के आसपास की कैबिनेट मिलती है आपको, जिस इसके आदि अंदर मैश है। देखो इसके अंदर आपको 211TG इज़ बेटर कैबिनेट, इससे तो बढ़िया ही है, प्राइस में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और डिसेंट लुक मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। एयर फ्लो इसके अंदर कुछ तो देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देखने जिस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको फ़ोटो में दिख रही है, ऐसी होगी नहीं रियलिटी में। 3000 के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या कॉर्सर कूलर मास्टर जैसी थोड़ी ना इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। जैसी प्राइस है, प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। जी आगे बढ़ते हैं, जिनका थोड़ा बहुत है और आगे बजट है तो 551MT की तरफ जा सकते हो आप, फिर प्री इंक्लूडेड फैन मिल जाते हैं उसके अंदर आपको। और i3 i5 जिस TX1650 सुपर जैसा ले रहे हो तो उसके लिए बेटर रहेगा। और ये 4300 के आसपास है, और इससे बढ़िया ले सकते हो आप 521TG या पता नहीं AG क्या है, ध्यान नहीं दिया। ओ MT, ये मिड टावर है और मैशिफाई का कॉपी कर रहा है, तो एंटी स्पॉट्स छोटा है पर मैशिफाई की कॉपी है बिल्कुल। देख सकते पोर्ट्स इसके अंदर, LED का बटन है इसके अंदर, 3 प्री इंक्लूडेड फैन है, और एक 120 का बैक में लटका हुआ है LED, नॉट LED फैन। इसके अंदर फ़ैन लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, USB पोर्ट्स आपको इसके अंदर 3 मिल जाते हैं, और पावर ऑन ऑफ 5000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और इसका ऑल्टरनेटिव है, चिप्रॉनिक्स के भी कैबिनेट्स ले सकते हो आप अगर आपको लेना है तो। देखिए ट्रांसफॉर्मर जैसी लुक है कतई, पर कंपेटिबिलिटी इसके अंदर चेक कर लेना, क्योंकि दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, आपको दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, तो इसे कंपेयर कर लेना और से कि आ सकती है कि कंपेटिबिलिटी नहीं। तो जिसके साथ भी ये कैबिनेट आता है बेस्ट कैबिनेट है, तो रिसर्च कर लेना थोड़ी सी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप चेक कर सकते हो अब अपने हिसाब से। एयर कूलर लगाना है आपको, लिक्विड कूलर लगाना है, वो आप खुद देख लेना। नाउ अगर थोड़ा और बजट है, आप इस कैबिनेट की तरफ जा सकते हो, डी कूल मैट्रिक्स 55 मैश, इसके अंदर 4 RGB फैन मिल जाते हैं आपको, और ये थोड़ा सा बढ़िया सा लुक दिख रहा है, आप इसे भी ले सकते हो, ऑसम कैबिनेट है ये भी। इस 5000 के प्राइस के अंदर 5600 कुछ का है, इससे पहले से, लेकिन अगर आपको चाहिए, इसके अंदर दो इशूज़ मेजरली रहता है। ये कैबिनेट इतने सस्ते हैं, RGB पंखे वगैरह फलाना फलाना दे रहे हैं, तो इसके अंदर चिप USB पोर्ट्स है, और इनका ऑडियो जैक्स होते हैं, इनका ग्राउंड सेम होता है,
अगर सेपरेट ग्राउंड यूज़ किया जाए तो आपका बिंग बिंग की आवाज़ नहीं आती, हेडफोन लगाओगे तो आवाज़ आती रहती है। तो उसके अंदर ऑडियो के अंदर आपको स्टैटिक नॉइज वगैरह आती है बहुत सारी, अनोइंग लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। इनके अंदर, इन कैबिनेट्स के अंदर आती है वो प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम ये है और ये कॉमन इशू है ये इन सस्ते कैबिनेट्स में। तो सस्ते कैबिनेट्स में तो हाई फाई लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कम प्राइस पे कर रहे हो, कम ज़्यादा प्राइस पे करोगे ज़्यादा चीज़ें देखने में। जैसे आप छूते हो इन पीसी को तो इनमें झटका लगता है इन पीसी के अंदर, तो इनसे लोगों से सुनते हो कभी कभी बड़े कैबिनेट्स के अंदर भी ये बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप कैबिनेट्स को छूते हो बिजली का झटका लगता है, उससे अगर तुम्हें बचना है तो इजी वे बता देता हूँ मैं आपको। आप कैबिनेट्स के एक मेटल वाले से तार लगा के उससे आप ज़मीन पे लगा लो और दे दो, उससे क्या है आपका झटके वाला सीन सॉल्व हो जाता है ये सस्ते कैबिनेट्स के अंदर। नाउ अभी मैं आपको बात करता हूँ हाई फाई अगर जाना चाहते हो तो इससे हाई फाई कैबिन आता है ली एंड ली लैंड कोल कूल 215। ये जो भी है ये कैबिनेट्स बहुत अच्छा है इसके अंदर, और अनफॉर्चुनेटली अभी आउट ऑफ स्टॉक है, पता नहीं लिस्टेड क्यों नहीं है, लिस्टेड नहीं है क्या चक्कर है, इससे पहले अवेलेबल था वो पर अभी नहीं है। तो अगर अभी आपको मिल जाता है तो आप उसे ले सकते हो, बहुत अच्छा कैबिनेट है लियनली का लैंड कूल 215। अगर अवेलेबल होता है तो आप बाय कर सकते हो, या अगर अवेलेबल होता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। ऑसम कैबिनेट है लेने के लिए, बिल्ड क्वालिटी से लेके एयर फ्लो से लेके इनसेन ऑसम, बहुत अच्छा कैबिनेट। 200 mm के दो बड़े बड़े पंखे मिल जाते हैं उसके अंदर, बहुत अच्छा कैबिनेट है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। 6000 से ऊपर का बजट है, 7400 के आस कॉर्सर IQ का 220T RGB IQ जिसके अंदर मिल जाता है बहुत अच्छा है। डिस्कॉर्ड के लोग पागल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आई एम सॉरी अगर डिस्कॉर्ड की नोटिफिकेशन दिख रही है। तो IQ लाइनअप के अंदर आता है, किसी भी लाइनअप IQ लिखा हुआ दिख जाता है अगर आपको किसी भी केस के अंदर, तो मतलब IQ सपोर्टेड केस है कॉर्सर का, और मस्त कैबिनेट है। RGB कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है इस कैबिनेट्स के अंदर आपको, इस फैन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर का। इसके अंदर आपको इसका इनबिल्ट कंट्रोलर भी मिल जाता है इसके अंदर। LEDs की कलर आपको ऊपर बटन दिया हुआ है, आप बटन दबा के इसका कलर चेंज भी कर सकते हो, ब्लू रेनबो कलर में ये चलाना है वो चलाना है जो भी चला सकते हो चला सकते हो, वो आप बटन से दबाना पड़ता है। लेकिन जब एक्सपेंसिव कैबिनेट्स के अंदर आता है तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है फुल्ली। इसके अंदर हाई फाई बिल्ड के लिए 7000 के आसपास आप ले सकते हो उसे, और ये बेस्ट कैबिनेट है। और इसकी जगह मैं आपको एक और दे देता हूँ, वो होता है कॉर्सर का डेल्टा RGB जैसा मिलता है आपको कोई इसके अलावा। इसके अंदर आप IQ सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हो कॉर्सर का, अगर आप इकोसिस्टम बना रहे हो कॉर्सर का, पावर सप्लाई कॉर्सर के सब कुछ कॉर्सर का, कीबोर्ड कॉर्सर का बनाना कॉर्सर का ढूंढाना, तो आप कॉर्सर का ये भी ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और फालतू सॉफ्टवेयर कम हो जाएंगे आपको, परफॉर्मेंस आपकी बहुत इफेक्ट नहीं करेगा अगर आपको एक ही सॉफ्टवेयर से चलाना है तो। वाइट ब्लैक कोई से भी कलर में ले सकते हो अगर आपको कोई पसंद है तो। अगर आप IQ 465X भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अगर लोगों को बाहर टेम्पर्ड ग्लास वाला वो आता है तो आपको इस टाइप का लुक पसंद आता है तो आप टेम्पर्ड ग्लास वाला भी ले सकते हो, यही है कॉर्सर का IQ लाइनअप के अंदर ये भी आता है। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल वाली RGB इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके सामने तो ग्लास है, इसके अंदर एयर फ्लो कैसे आएगा। तो इसके बगल में बहुत बड़े बड़े छेद हैं, बहुत बड़े बड़े, हवा इसके अंदर तगड़ी आएगी हवा। इसके अंदर बैक जो है उसके बीच में गैप देखने को मिल जाता है, गैप बहुत ही ज़्यादा गैप है। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, पर बहुत मोटे मोटे गैप हैं, उसके अंदर से हवा तगड़ी जा सकती है।
और जो इसका ग्लास है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और फ़ैन को हवा खींचने के लिए बहुत हवा मिल जाती है। तो प्लास्टिक के कटआउट दिए रहते हैं और बहुतों के अंदर उसके अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक से कटआउट्स रहते हैं, उससे अच्छे वो तो हवा बहुत कम खींच पाते हैं, एरिया ही बहुत कम है उनका। इससे अच्छा आप इनफ भाई कहीं नहीं इनफ है, इससे अच्छा ना भाई इसके अंदर जितने बड़े बड़े छेद दे रखे हैं वो बहुत है। हवा भाई खतरनाक खींचते हैं हवा। राइजन 9 i9 कोई भी चला सकता है अभी इसके अंदर, बट आई एम AMD फैन वो है। राइजन 9 3950X 5950X चलाओ, मजे करो। और इसके अंदर RGB वाले नहीं मिलते आपको बहुत सारे, इसके अंदर आप स्पेसिफिक केस के अंदर भी नहीं मिलते, टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, पता नहीं कौन से केस का नाम है वो जिसके ऊपर NGXT के आगे RGB फैंस टिके हुए थे। और अगर स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है तो NGXT के केस की तो आप यही ले सकते हो, ये तगड़े 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 हैं, बेहतरीन केस आप ले सकते हो। फॉरेन के अंदर NGXT के केस बहुत अच्छी प्राइजिंग पे है, पर यहाँ पे ओवर प्राइज बिकते हैं इंडिया के अंदर। तो गो विद कॉर्सर 455X, पता नहीं 455 है 465 है तो क्या है 465X, ये बहुत अच्छा इनक्रेडिबल केस है। इसके अलावा आप ले सकते हो, और ज़्यादा बजट है तो आप ले सकते हो कूलर मास्टर का TD500 मैश ले सकते हो, मस्त केस है इसका। मेरे को वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट केस लगता है मेरे को, पर ले सकते हो आप इसे, इसके टेम्परेचर के अंदर मस्त रहेगा। इसके अंदर कूलर मास्टर केस के ऊपर मैं अच्छा है एयर फ्लो के हिसाब से। इसके अंदर ARGB फैन मिलता है आपको, 3 आगे 1 पीछे कोई भी नहीं मिलता आपको, इन लोग के लिए RGB मैटर करती है। कॉर्सर रिकमेंड करता हूँ जिस बंदे को RGB से प्यार है, IQ सॉफ्टवेयर वन ऑफ दी बेस्ट, मस्त तगड़ा चलेगा। ASUS के मदरबोर्ड के पास इसका बहुत तगड़ा चलता है, एक ही सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा आपको, IQ सॉफ्टवेयर। आपके मदरबोर्ड में फॉर एग्जांपल LED स्ट्रिप लगा रखी है आपने मदरबोर्ड के RGB हेडर पे आपने लगा रखी है, तो आप हर किसी को सॉफ्टवेयर के IQ के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। कॉर्सर और भी अलग अलग पेरिफेरल्स बनाता है जैसे कि माउस कीबोर्ड, एक ही सॉफ्टवेयर से आप सभी को कंट्रोल कर सकते हो। कूलर मास्टर में आपको अलग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, मदरबोर्ड से अलग अलग सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे आपको, MSI का सॉफ्टवेयर डाल दिया अलग डालना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत कुछ होता है। RGB क्वांटम व्यू से बोल रहा हूँ कि आप कॉर्सर ही लो, कॉर्सर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहेगा अगर आपको RGB के परस्पेक्टिव से चाहिए, एक ही सॉफ्टवेयर से भाई तगड़ा चलता है RGB कॉर्सर। और आपको ली वाले भी बहुत अच्छे तगड़े हैं, और आपको पसंद आता है जिनको एक्सपेंसिव केसेस चाहिए, खतरनाक लोग हैं, प्रीमियम लोग हैं, लियन ली लैनकूल 2 मैश मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, 11,999 का बिक रहा है, इसे बिल्कुल भी मत लेना इतने प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर लेना अगर आपको लेना है तो। इसकी 8,000 के आसपास रहती है प्राइस, पर आज 11,000 का बिक रहा, सीरियसली भाई 8,000-9,000 के आसपास आपको लेना चाहिए अगर लेना है, 11,000 बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा कैबिनेट है, एयर फ्लो तगड़ा है, इनक्रेडिबल कैबिनेट है। ऑफलाइन ले रहे हो तो सस्ते में 8,500 का लेना, 11,000 में नॉट वर्थ डील। अगर आपको लियन ली का चाहिए 11,000 का 12-13-14,000 का, तो आप ले सकते हो O11 डायनामिक भाई, वन ऑफ दी बेस्ट कैबिनेट जो है ना ये O11 डायनामिक। मेरे को बोलना नहीं है कुछ भाई, मेरा भाई मुंह थक चुका है बोल के। ROG एडिशन बहुत सारे एडिशन आते हैं, आपको जो उनसे अच्छा लगे ले लो। रेजर भाई इसका बहुत महंगा बिकता है एडिशन, मेरे को नहीं पता, दिमाग खराब हो गया मेरा बोल के भाई, पता नहीं यार यूट्यूबर इतने ज़्यादा कैसे बोल लेते हैं। इसका बहुत अच्छा प्राइसिंग पे अगर है तो आप लैनकूल का, कौन सा है लैनकूल, जॉन सा भी है देख लो ले लो, सही कैबिनेट है।
आंख बंद करके ले लो। अगर आपको ये कितने का मिलता है भाई बोलियो। RGB पंखा मिल रहा है, पीछे नहीं, पीछे नहीं मिल रहा, आगे दो मिल रहे, पीछे एक भी नहीं मिल रहा। कौन सा मिल रहा है वो RGB नहीं है। ये कैबिनेट्स के लुक सट सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। AIO कुछ भी लगा लो, केवल मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। और भाई मैं थक चुका हूँ यार बोल बोल के। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उस पर कुछ भी फेंक के मारो भाई, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। 1000 तक पहुँचा दो यार, यही कैबिनेट बहुत तगड़ा है, अगर लोगों को लेना चाहिए। अगर आगे भी PC कंटेंट देखना तो भाई सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, फोड़ दो साले को। कौन सा कैबिनेट? तगड़ा कैबिनेट, यही कैबिनेट आपको लेना है। अगर आपको लेना है तो कॉर्सर का एक आता है, कौन सा आता है भाई वो, उसका नाम है शायद से कॉर्सर का, कोई तगड़ा सा आता है। O11 के आप बहुत सारे ले सकते हो, देख लो। एयर फ्लो ये बगल से खींचता है, ना कि सामने से। सामने इसके ग्लास है पर बगल से खींचता है एयर फ्लो। प्लीज़ इसको एक बार गूगल करो और इसके बिल्ड्स देखो, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, सीरियसली। रेजर एडिशन भी आप देख सकते हो, ये रहा ROG एडिशन, रेजर ROG कुछ भी है यार, रेजर तगड़ा एडिशन है इसका। ROG एडिशन, फलाना एडिशन, लीकड़ा एडिशन, ये वाला मत लेना, जो सा भी दिखाई देगा वो लाइने लाइने वाला बेकार एडिशन है, किसी को लेना नहीं है। O11 ब्लैक ले लो, डिफरेंट डिफरेंट उसके वो आते हैं वर्जन, नाम गूगल करना है सिर्फ O11 डायनामिक। अगर आपको बजट कुछ ज़्यादा ही है, कॉर्सर की ऑब्सीडियन सीरीज सर्च करना एक बार सिर्फ, आपको मज़ा आ जाएगा कॉर्सर की ऑब्सीडियन सीरीज देखकर। और मैं एक नई वीडियो लाने वाला हूँ तो ऑब्सीडियन 1000D लेना आपको, अगर लेना है तो भाई सबसे महंगा कैबिनेट और सबसे तगड़ा कैबिनेट है। अगर आपके पंखे इसके अंदर आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, इसके अंदर आपको कोई पंखा वंखा नहीं मिलता, खुद से साइड वेंट से, इसके सामने से इंटेक नहीं करता है, साइड से इंटेक करता है हवा, और केस का कोई डिज़ाइन ही अलग है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। और इसका एयर फ्लो तगड़ा है, जाओ सब्सक्राइब करो।